हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में रहे वाले रिटायर्ड फौजी प्रदीप ठाकुर ने निर्भया केस के मुजरिमों को फांसी देने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि वह जल्लाद बंद गुनहगारों को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है। जय श्री राम साथियों, समाचार पत्रों के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि तिहाड़ जेल में बंद निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी दी जानी है और वहां पर कोई जल्लाद नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से आग्रह करता हूं कि मुझे जल्लाद नियुक्त किया जाए और मैं यह सेवा निःशुल्क करूँगा और भारत सरकार के खाते में इस काम के लिए 5 लाख रुपये जमा भी करूँगा। नंबर को जब मैंने पेपरों में पढ़ा कि निर्भया गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने के लिए दिल्ली तिहाड़ जेल में जल्लाद की व्यवस्था नहीं है तो मेरे मन को पीड़ा हुई और मैंने एक वीडियो बनाया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी को एक पत्र लिखा और इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने कहा कि ये जल्लाद का काम मुझे दिया जाए। इसके लिए मैं भारत सरकार के खाते में 5 लाख रुपये देना चाहता हूँ कि यह जो पैसा है यह बलात्कार से जो लोग ग्रसित रहते हैं उन लोगों को मदद कानूनी सहायता के लिए देना चाहता हूँ।